बाल रूप है महाराज। बहुत अच्छे रूप रहा है। होगा समय आएगा होगी। सर वो तो कह सकते हम मेरा बेटी तो वही तो नहीं वो बोलते ना कि गैबी ख्याले विशाल गुरु अचल दिगंबर तीरे भगत धरियाए अवगत सत कीरे नानक सुख सागर के हम से आए भगत हिरंब दरी कोट भान पर काश पूर रोमे रोमे की नारे हैं वचन अभंगी है सत संगी अवगत का सत गोरे उपदेश देवा चौरासी ब्रह्म मेटही तेज पुंज तन देह धर इस वेदे हमको मेटही सबद निवास अकाश वाणी यो सत गुरु जी का रूप है चंद सूरज नहीं पावन पानी ना जा छाया धूप रहता राम साहेब अवगत अले अले के भूले पान विटम्बवादी कुल का काविन एक मिले सुरत नीरत को कमल बट हो जादे पग बिन ले हरदम भोज अनोज आज रे त्रिवेणी के नाज गरीब तबीब सत बंदी छोड़ कबीर हरदम खोज अनोज तेरे त्रिवेणी के धीरे दास गरीब तबीब सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहे सत साहे सत साहे और आपने यहाँ पदार्पण हो गए बहुत अच्छा हुआ। कबीर साईं महाराज की गरीबदास जी महाराज की सर्व संतों की सर्व भक्तों की महाराज भूरी वालों की रकबे वालों की जय। स्वामी जयत्राम जी महाराज की स्वामी विद्यानंद जी महाराज की स्वामी अमृतानंद जी महाराज की स्वामी राम जी महाराज की नगर खेड़े की छुड़ानी धाम की सत साहे सत साहे सत साहे। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांग खैर ना कहूं से दोस्ती ना कहूं से बैर ग्रीव पिना धनी की बंदगी सुख नहीं थी नो लोक है चरण कमल के ध्यान से श्री ग्रीवदास प्रातः स्मरणीय जगत गुरु आचार्य महाराज ग्रीवदास जी
उनकी वाणी, उनका साक्षात स्वरूप उपस्थित दरबार में स्वामी अमृतानंद जी, स्वामी राम जी और सभी भक्तों और छुड़ानी के सभी हमारे निवासियों, आज एक बड़ा सौभाग्य का दिन था, क्योंकि महाराज के 300 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में बिना किसी सोच समझ के महाराज की प्राण प्रतिष्ठा इस स्थान पर, कबीर साहेब और महाराज की प्राण प्रतिष्ठा इसी 300वें साल में हुई। और उसके बाद आज एक सौभाग्य का दिन है कि हमारे जलूर पीठ के हमारे जो विद्यानंद जी महाराज हैं, उनके जो उत्तराधिकारी हैं, दोनों उत्तराधिकारी हैं और हमारे अमृतानंद जी और राम जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। महाराज का यहां पर एक सबसे बड़ी बात यह है कि महाराज जब अपना बाणा ले लेते हैं तो उनका कोई भी गांव और कोई कुछ परिवार नहीं होता है। लेकिन एक बात हमें जो याद आती है वो ये बात याद आती है कि जब से महाराज का परंपरा चली है उसमें, उस पीढ़ी में स्वामी जयतराम जी बहुत उच्च कोटि के संत हुए हैं। उसके बाद महाराज के चार सहजादे थे, उन चार सहजादों में आसकंड जी महाराज के, तेज राम जी महाराज के शिष्य हुए हैं, जिन्होंने मोगा में कई साल डेरे चलाए, उस स्थान का नाम भी। जो पूर्ण संत हुए हैं उसके बाद स्वामी अमृतानंद जी हमारे इस, हमारे हम कहते हैं इस धाम से उस परंपरा को निभाते हुए उच्च कोटि के संतों में गिनती की जाती है। हमें बड़ा फकर होता है इस तरह से गृह त्याग करके और इस तरह से महाराज का प्रचार कर रहे हैं, इसलिए इस कुल का भी, कुल भी पार हो गया और अमृतानंद जी महाराज ने अपने को भी सबको तार दिया। ये बड़े सौभाग्य की बात है, हमारे बीच में आए हैं और प्रधान जी और सभी ने स्वागत किया। अभी मैं अमृतानंद जी से, स्वामी जी से प्रार्थना करूंगा कि जिस उपलक्ष्य में यहाँ पर आए हैं उस विषय में हमें 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 निर्देश दें क्या करना है, क्योंकि गांव की बात जब हुई है, ये कहा गया है कि जो भी उस शोभा यात्रा निकालने में जो भी हमारा सहयोग होगा, हम तन मन धन और जन से आपका समर्थन करेंगे। यही बात है प्रधान जी? हाँ जी, तो मैं अनुरोध करूंगा स्वामी अमृतानंद जी से कि अपनी अपने अपनी वाणी द्वारा हमें निर्देश दें। पहले तो सदगुरु जी के चरणों में बंदी छोड़ साहिब जी के इस कबीर स्थली पर मैं बार बार नमन करता हूँ और आप जो इस धाम के वासी हैं आपको सबको सत साहिब। आज जो यहाँ हमारा आना हुआ, काफी दिनों से पंजाब में गुरु जी के साथ हमारा विचार विमर्श चलता रहता है कि सतगुरु जी का 300 साल है जन्म महोत्सव, और मैं ये नहीं कह सकता कि इसको हमने ही शुरू किया, हो सकता हमारे से ऊपर बहुत सारे महापुरुष बैठे हुए हैं, किसी का कैसा इसमें योगदान है, लेकिन 300 साल शुरू होने से एक साल पहले 2016 में ही गुरुजी के साथ बैठ के हमने इसकी रूपरेखा तैयार कर ली थी कि 300 साल सतगुरु जी का अवतार दिवसाना है, उसको बहुत ही श्रद्धा के साथ हर आश्रम में, हर पंजाब के कोने में, क्योंकि हमारी ज्यादा पंजाब के अंदर ही है, तो इसको मनाया जाए। फिर कुछ हरिद्वार के अंदर एक शोभा यात्रा हर साल निकाली जाती है, हमारा ये था कि उस शोभा यात्रा को समष्टि पूरे देश की तरफ से निकाला जाए, सदगुरु आचार्य गरीबदास जी महाराज जी के 300 साले अवतार महोत्सव के ऊपर, पर वहां के महापुरुषों ने कुछ समय से पहले निकाला, उसका हमने
सरकार महाराज जी ऐसा नहीं करना, इस तारीख को बदलो। हमने पहले छुड़ानी धाम से शुरू करने की योजना बनाई हुई है और आप लोगों की शोभा यात्रा हमने उसी 300 साल में स्वयं हम आपकी हेल्प करके करवाए, लेकिन उन महापुरुषों ने हमारे को बिल्कुल 101% जवाब दे दिया कि शोभा यात्रा हरिद्वार में एक होनी थी, हो गई, दूसरी शोभा यात्रा यहाँ बिल्कुल नहीं हो। जब ऐसा कहा तो मेरे को बहुत दुख लगा कि इन्होंने ऐसा कह देना था कि एक हो गई, आप चाहते हैं तो दोबारा निकाल। मैंने फिर खड़े होकर ऐसे समाज बैठा था, मैं कहा आप कृपा करो, इस चीज का सेहरा, इसका सम्मान आप प्राप्त करो, हम खर्चा करेंगे, लेकिन दोबारा से शोभा यात्रा निकालो। तो उन्होंने बिल्कुल पैर नहीं लगाए, एकदम हमारे को इसमें खिदमत करो और एकदम जवाब दे। जवाब देने पे हमने फिर भगवान के जो ऑफिसर वगैरह उनसे मिला, क्योंकि वहां मंजूरी लेनी बहुत जरूरी,